सज्जाद निजामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें हर रोज नई वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया। आप आते न तो कुरान कहां से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान लगी लबल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता, ऐ खुदा ये ऐलान कहां से आता, यानी इखारों में तूफान कहां से आता, ख्वाजे हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि अपने गांव के बच्चे हम सुना किसको जाए, ऐसा नहीं है, ये आपके गांव के जरूर बच्चे हैं, लेकिन ये गांव वाले अपने बाप की बात नहीं करेंगे, ख्वाजा एहबाज की बात करेंगे। हम लोग तो पुराने हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्वाजा का सिर्फ कभी पुराना नहीं हो सकता। आप लोग परेशान ना हो, ये जरूर ये बात हक है कि चाचा बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाजा का नमाज का बहुत कबीर है, है ना, जबान करना है। इससे पहले मेरा शेर सुने, अभी रशीद भाई शेर पढ़ाए थे जबान हजरत अली असगर के हवाले से। हजरत अली असगर की जात को जात है जबान करबला की जमीन पर इमाम हुसैन की रशीद लाए तो यजीदी लश्कर में एक हंगामा बर्पा हो गया था। कहाँ जा रहे थे हाजत को जल्द इनको खाली करके दोबारा जी लौट गए, है ना, क्योंकि किसी दुनियादार की महफिल से वादा करके नहीं गए, इनको ख्वाजा एहबाज की महफिल से वादा करके गए। कभी अल्लाह भाई इनको अपने वादे पर सलामत रखे। बड़े खामोशी के साथ एक शेर सुने हजरत अली असगर, छह माह के हजरत अली असगर है। बड़े खामोशी के साथ दिल में आया सुभान अल्लाह बोलना, ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, हंगामा होना चाहिए। बड़ा अच्छा मसला है, मिसरा है अगला, और आपकी सवारों का तलबगार है कि ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर। एक बात बताइए, करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के गोद में हजरत इमाम अली असगर तशरीफ लाए थे, तो आपके हाथ में तलवार थी नहीं, सिर्फ आप तने तनहा थे अपने अब्बा जान की गोद में, शायद मेरे अंदर करता है। ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, असल ने जंग जीत ली तलवार के बगैर, ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, असल ने जंग जीत ली तलवार के बगैर। हर शख्स जानता है कि मेरे नबी के रोजे के करीब में मीनार शरीफ है, लेकिन खाने काबा के पास में मीनार क्यों नहीं है, एक शख्स ने इतराज किया तो उसका जवाब एक शायर देता हुआ नजर आता है कि ये बात मान लीजिए किसी तकरार के बगैर, असल ने जंग जीत ली तलवार के बगैर, असल ने जंग जीत ली तलवार के बगैर, शायद खड़ा हो उस जगह अब्बास का आलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर, अब्बास का आलम है काबा बना है, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। ये बात हकीकत है कि करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम हुसैन ने सात आदेश से मजबूत कर दिया गया था, लेकिन चलो अगर हुकामे हो जाए पानी के प्यासे होते तो तेरे हाथ आपके कदमों में आकर गिरता है हुसैन, मुझको अपने लबों से लगाकर मेरी प्यास बुझा दो सुभान अल्लाह। अरे इमाम हुसैन को बहुत बड़ी जात का नाम है, इमाम हुसैन के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, हम सब के राजा, हिंदुस्तान के राजा, अपने आप ना जाकर बल्कि अल्लाह सागर के पास अपने गुलाम को भेज कर कहा है गुलाम, अल्लाह सागर के पास जाकर कह देना कि तुझको राजा ने बुलाया है, राजा ने बुलाया है, राजा का गुलाम जब अल्लाह सागर के पास गया जाकर कहा अरे अल्लाह सागर तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है सुभान अल्लाह, जब ख्वाजा का हो कहा से अनंत सागर ने सुना तो एक अनंत सागर का पानी एक छोटे से प्याले में समा गया सुभान अल्लाह। तो शायर कहता है अरे मेरे इमाम हुसैन की जात तो बहुत बड़ी जात है, जब इमाम हुसैन के गुलाम ये कह सकते हैं तो अगर इमाम हुसैन
ऊपर आसमान के सूरज को इशारा कर देते तो आसमान का सूरज भी पानी बनते हुए नजर आता है। चार कथा है सुलगले दस्त में पंपीले मौसम को फैलाते, सुलगले दस्त में पंपीले मौसम को फैलाते, भिगो गए खून के पानी में शबनम को फैलाते। मुझे कहते हैं यदि की प्यास पे रास्ते बना फरिश्ते सदै काबा से जमजम को फैलाते, फरिश्ते काबा से जमजम को फैलाते। और हम आप समातों को हुजूर ख्वाजा करीम नवाज के जिक्र से पाक और साफ करने के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। आइए मोहब्बत का इजहार इस्तकबाल कर ले। बड़ा दबाव बहुत बहुत आ रहे हैं नारे की सारा और लगे आला हजरत आ रहे हैं।